आज हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन को देखने के लिए हमने एक यहाँ पर प्रयोग करते हैं, हमने तीन मैंने उदाहरण आपको बताया कि पेंसिल का पानी में मोड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और नींबू अपने पास अवेलेबल नहीं है तो नींबू अगर आप पानी में देखोगे तो नींबू अपनी साइज से बड़ा दिखाई देगा। तो ये देखो, पेंसिल को हमने जैसे डाला तो पेंसिल ऐसे दिखनी चाहिए टेढ़ी, लेकिन देखो ये ऊपर से देखने पर आपको बिल्कुल थोड़ी सी टेढ़ी, ये जा रही है, सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार से जा रही है। तो ये किसके कारण से दिखाई दे रही है? अपवर्तन के कारण। ओके, अब ये सिक्के का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपने देखो सिक्का डाला, सिक्का ये यहाँ है नीचे, लेकिन अब यहाँ से देखो आप ये कुछ ऊपर उठा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण से है? अपवर्तन के कारण। कहाँ से आयताकार स्लैब से अपन अपवर्तन को देख रहे हैं? आयताकार स्लैब ए बी सी डी अपन ने लिया, और ये देखिए ई एफ आपकी, इसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये है आपकी परावर्तित किरण। समझना भाई क्या? जब भी आप कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन देखोगे तो जैसे ही माध्यम चेंज होगा, वायु से प्रकाश की किरण कांच में जाएगी, तो ये देखिए मैंने एन और एन एस अभिलंब बना रखा है, तो जो ये किरण आनी चाहिए थी इस दिशा में, वो थोड़ा सा अभिलंब की वायु छूट जाती है और आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जहाँ पर ये मुड़ेगी तो वहाँ पर दो कोण बनेगी, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसके बाद जैसे आपने ये इस किरण का नाम क्या दिया? अपवर्तन किरण। फिर जैसे ये आप कांच और ये फिर वायु, फिर माध्यम चेंज हो रहा है, तो ये जैसे ही माध्यम चेंज होगा तो ये फिर थोड़ी सी आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये सब आपको किसके कारण से दिखाई दिया? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के मैंने दो नियम बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और अगर माना कि अपन ये ले लें, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या ज्या का मतलब है साइन आर आर, सॉरी साइन आर आर, और ये है साइन आर। ठीक है, ये दोनों का जो है मान वो क्या है? नो स्थिर होता है, इसके लिए उसको क्या बोल दिया? ज्ञान। अगर इसका मान अगर आप देखना भी चाहोगे तो जीरो और जीरो से अधिक होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। इसे बेटाओ स्नेल का नियम भी कहते हैं, और स्नेल का नियम भी कहते हैं, और स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से कांच के आयताकार स्लैब से आपको अपवर्तन देखने को मिला होगा। ठीक है, धन्यवाद।